नरेंद्र मोदी शनिवार को कर्नाटक के तुमकुर में चुनाव प्रचार में पहुंचे। इस दौरान मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कई सालों तक गरीब गरीब चलाती रही, लेकिन जब देश ने एक गरीब परिवार के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन लिया तो उसने ये कहना बंद कर दिया। कर्नाटक में 12 मई को मतदान होना है, इसे लेकर दोनों ही राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मोदी ने सबसे पहले तुमकुर में सभा की, जहां उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि अब कांग्रेस वालों ने ऊपर से नीचे तक, लोकल हो, देशी हो या विदेशी हो, इधर से हो या उधर से हो, समझ में हो या ना हो, चना का पेड़ होता है या पौधा होता है, लाल मिर्च होती है या हरी, इसका भी जिनको ज्ञान नहीं, जो आलू से सोना पैदा करने के बारे में सोचते हैं, वो अब दिन रात किसान किसान बोलने लगे हैं। इंदिरा गांधी के समय से पहले कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए गरीबों को मूर्ख बनाती रही। कांग्रेस एक झूठ बोलने वाली पार्टी है, वे एक बार फिर चुनाव जीतने के लिए झूठ का सहारा लेने लगी है। ना तो उन्हें किसानों की चिंता है और ना ही गरीबों की। लोग अब कांग्रेस से थक चुके हैं। कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस के अनकहे गठबंधन को समझना चाहिए। वे लड़ते दिख तो रहे हैं, लेकिन बेंगलुरु में जेडीएस कांग्रेस के एक मेयर को समर्थन कर रही है। मोदी ने कहा कि तुमकुर महान लोगों की धरती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं यहां आया था और सिद्ध गंगा मठ के स्वामी शिव कुमार का आशीर्वाद लिया था। कांग्रेस पार्टी पहले के हर चुनाव देख लीजिए, आप इंदिरा गांधी के जमाने से चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस हर चुनाव में गरीब 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 यही माला जपते रहते थे, गरीबों की आंख में धूल झोंकते थे और चुनाव जीतने के खेल खेलते थे।